विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। पुलिस के खाल में दलाल, या यदि बात की जाए तो यह बेहतर बात या हमारे साथ चल रहे वीडियो में अपना देखा तो एक दलाल के काम आए कि पैसा लेके मन मुताबिक काम करब। वह दलाली अब पुलिस विभाग में आए गए और वह विभाग के उच्च अधिकारी जेके दम पर एक संभाग के पूरा दारोमदार होत है। और वह दारोमदार काहे खातिर होत है, अटैची फुल करे खातिर। और अटैची फुल लैसन कि वह आदमी सशंकित बे बे अटैची में पैसा डारे, बे बे ओका देखे। अब खुद सोच ले कि एक भ्रष्ट अधिकारी के राज मां आखिर कैसन हम पचे सुरक्षित हैं, या फिर कहा जाए कि हम पचे बेहद खतरा में हैं। यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के हालात कहा थे। उज्जैन आईजी रहत समय वी मधुकुमार के एक सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो अपना खूब दिखे हो। वह वीडियो में खुलेआम सर्किट हाउस में बैठ के टीआईएन से पैसा लेत, लिफाफा लेत, वह वीडियो वायरल भा है। वह वीडियो वायरल में साफ तौर पर आईजी मधुकुमार लिफाफा ले ले टीआईएन से हालचाल पूछा थे कि ठीक है हालचाल। तब खुद सोची कि आखिर पैसा लिफाफा काहे लेते हैं आईजी। मनमाना पोस्टिंग, मनमाना ट्रांसफर करे के एक माध्यम बना थे आईजी, और लोगन से खून चूस रहा है ऐसा सिस्टम जो आजादी के 70 साल बाद हम वह नौकरशाही का अपने ऊपर हावी हो गई थे। जबकि यह कहा जाए कि यह नौकरशाही देश के जनता के सेवा खातिर आई, उनकर नौकर आई, किंतु नौकर कब मालिक बन जात है जनता ही नहीं जान पावे। और हालात यह होते है कि भी मधुकुमार जैसा भ्रष्ट अधिकारी यह में सिस्टम क्या लतियावत निकल जाते हैं। और खुलेआम लोगन से औ अपने जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे यह वे घूस लेते हैं, तो आखिर यह सोची कि घूस काहे के आए। सवाल तो यह बड़ा है कि घूस काहे के आए। एक पुलिसकर्मी एक आईजी का घूस काहे देते हैं, काहे कि ओका छुट्टी मिले, ओका इतनी छूट दी जाए कि वह अपने थाना क्षेत्र में आतंक मचाए दे। आतंक के मतलब अपना समझत हो कि अवैध गतिविधि। अवैध गतिविधि मतलब शराब, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, अन्य अवैध गतिविधि खुलेआम जारी हो जाए। आईजी साहब संरक्षण ले ही और खुलेआम पुलिसकर्मी उनके नाक के नीचे एक सुस, मतलब यह कहा जाए कि शांत जिला का अशांत जिला में तब्दील करेगी। एक और होते सौदा। अब जब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होगा तो सरकारों की नींद खुली और सरकार तत्काल रूप से ग्वालियर में पदस्थ परिवहन आयुक्त वी मधुकुमार का, जो भारतीय पुलिस सेवा में 1991 में के बैच के आई, और उनका अब जो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक PHQ पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल बनाए दीन गया है। सवाल सिस्टम के है कि आखिर अपन सिस्टम कितना भ्रष्ट है, आखिर यह भ्रष्ट सिस्टम से जनता का कब निजात मिली। सवाल यह है काहे कि जनता आस भरी निगाह से यह देखा थी कि यह नौकरशाही जो है उनके सेवा का है, मगर सेवार्थ आए लोग कब भक्षार्थ बन जाते ओकर पते नहीं चलाता है। और हालात यह होते कि इनकर चमड़ी मोट हो जाती और जनता के पातर। और स्थिति यह है कि जनता के खून चूस के इनकर स्थिति, इनकर लाइफ स्टाइल बदल जाती, ये विलासितापूर्ण जीवन जिये लागत है, जबकि यही जनता के नौकर। और जनता जो मालिका है वह दिन प्रतिदिन गौ गहराई मां गरीबी के दर दर के ठोकर खाए, इंसाफ न मिले खीतिर न्याय के गुहार लगावत दर दर के ठोकर खाए का मजबूर हो जाती। तो आखिर सिस्टम पर सवाल है, उस सवाल के बड़ा जवाब हो चाहिए। कौनो अधिकारी के तबादला या ओका हटाए दे वह बात के पुष्ट नहीं करता है कि या जनता के न्याय आए। न्याय वह होता है कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी का ऐसा सजा मिले कि एक नजीर बने कि आखिर सिस्टम मा यह में भ्रष्टाचार के सजा का होती। काहे कि यदि इनका महिमा मंडित की जाई तो आगामी दिनन मा लोगन की हिम्मत बढ़ी और वो यह सोची कि हमहू यह में करब
तो कुछ न हो, पैसा तो खूब लूट लियन, कोई के कहो पड़े रह कुछ न हो, किंतु ऐसा भ्रष्ट अधिकारी का कड़ी से कड़ी दंड दी जाए जौने जनता कहो न कहो यह मान सके कि आगामी दिनन में आवे वाले नौकर सा जनता के नौकर बन के रही न मालिक बने के प्रयास न करी। आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, और तीन मंत्र हमेशा याद रखी, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी के पालन करब, और हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोवत रही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।